फिर क्या, उसी जगह पे बैठे, थोड़ा जगह को एक्सप्लोर किया। कोरोना ने एक नया नॉर्मल सेट कर दिया है, तो इसी नए नॉर्मल के साथ चलते हैं नए समय। ब्रेकफास्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बार हम जा रहे हैं ट्रेकिंग पे, और अगर टाइट होके नहीं गया तो अपनी ही हवा टाइट हो जाएगी। अगर आप बेंगलोर सिटी की तरफ से आ रहे हैं तो याद रहे कि ये लेफ्ट साइड में पड़ता है, और आपको एक टनल पार करके ही इस जगह के अंदर जाना है। भिस्कर बेट्टा एक ट्रेकिंग प्लेस है जो कि बेंगलोर से 60 किलोमीटर की दूरी पर। निजगंज बेटा एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है जहाँ के लोग कम जाते हैं, पर इसकी प्रकृति खूबसूरती हमें खींच लाए। यह ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट जो कि लाल मिट्टी का रास्ता है। थोड़े ऊपर जाने के बाद अगर आप पलट के देखें तो सिटी का नजारा आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। ये जगह पूरा डायरेक्टर नहीं है, तभी आपको बीच में जंगल के जैसा भी फील आएगा। पर हाँ, रास्ता बना हुआ है तो आपको जाने में उतनी भी असुविधा नहीं होगी। रास्ता जब जंगल और पहाड़ के बीच से होता जाएगा तो ट्रैकिंग और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है। ट्रैकिंग में आने से पहले स्नैक्स और वाटर जरूर ले लें, क्योंकि आपको यहाँ पे स्नैक्स और वाटर जैसा कुछ नहीं मिलने वाला। रास्ता थोड़ा टफ और रफ था। अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज है तो आप जरूर वो पहन ले, या कोई अच्छा शूज पहन ले, क्योंकि इस चीज की तो आपको कमी जरूर लगेगी। ये वेस्टर्न विंडो एक तरह से एंट्रेंस था निजगल बेट। ये फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस था। और एक दूसरा स्टोन दरवाजा जिसके बाद आप बेटा के अंदर जा सकते। बस इस झाड़ियों से भरे हुए एरिया को पार करने के बाद ही आप निजगल बेट्टा का हिल देख सकते हैं। अभी बस हम लोगों ने 1/3 जर्नी ही पूरी की थी। अभी इन पत्थरों के रास्ते से हम ऊपर की ओर चलेंगे। अरे हाँ, पीछे का नजारा देखना मत भूलना। इतना जर्नी करने के बाद भी हम थक गए। हम तो इतनी जर्नी करने के बाद ही थक गए थे।
ये टोटल जर्नी हमने 1.5 घंटे में पूरी की थी, पर हाँ ये तो डिपेंड करता है आपके स्पीड पे, आप कितना तेज चलते हैं और कितना कम रेस्ट लेते हैं। तो आ गए हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, और इसको देखने के बाद सही मानो तो हमारा जर्नी पैसा वसूल और मेहनत वसूल हो गया। फिर क्या, उसी जगह पर बैठे, थोड़ा जगह को एक्सप्लोर किए और नेचर का बस मजा लेते रहे। इसी के साथ आज की जर्नी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं एक नए सफर में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।